अल्कोहल, दारू, शराब आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं। आई नो आप इतने समझदार तो हैं और शायद आपको पता भी होगा कि अल्कोहल से किसी भी गवर्नमेंट को अच्छी खासी कमाई होती है, पर क्या ये सच में इतना सच है जितना आपने सुना है? देखिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट एज एन अकाउंटेंट जो मेरे सीनियर सर हैं वो दारू के डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंटिंग का काम करते हैं। आप मानोगे नहीं, हरियाणा के छोटा सा शहर जहां पर 100 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर की बोली लगती है। आई नो दारू के केस में कोई बड़ी बात नहीं है, बीइंग एन अकाउंटेंट जो मेरे सीनियर सर हैं उन्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मंथली मिलते हैं लाखों रुपए। खैर टॉपिक पर आती है, दारू पूरी चीज है, हर साल इससे लाखों लोगों की जान जाती है, तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? पूरे इंडिया में बिहार और गुजरात को छोड़कर सब जगह पर दारू धड़ल्ले से बिक रही है, और दारू कितना एक स्टेट गवर्नमेंट को कमा कर देती है और कितना ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि कोविड में सबसे पहले दारू के ठेके ही खोले गए थे पूरे 21 दिन के अंदर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी भी नहीं। और इस चीज पर जो जिम वाले हैं उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी किया था कि सर दारू क्या हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? इस पर मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, तो क्वेश्चन के हंसकर टाल दिया गया। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अल्कोहल से कितना कमाती है कितना नहीं, उसके लिए अभी आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि इंडियन टैक्सेशन में टैक्स अगर सबसे ज्यादा कहीं से आता है तो वो है अल्कोहल से। अब देखिए, सरकार अल्कोहल से कमाती है टैक्स के जरिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंडियन टैक्सेशन को भी जानना जरूरी है। डोंट वरी, ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले हम। भारत में दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स सिंपल सा है, जैसे कि किसी भी पर्सन की इनकम और प्रॉफिट पर जनरेट किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स मेनली तो यही है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार द्वारा गुड्स और सर्विस पर चार्ज किया जाता है, मतलब कि अगर आप कोई गुड्स जैसे कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी सामान सेल करते हो और सर्विस देते हो, जैसे कि सर्विस दे दी आपने, कोई सीए की सर्विस दे दी, लॉ की सर्विस दे दी, उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, जैसे कि जीएसटी। हमारे इंडिया में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट किया गया था, और इंडिया का मेन रिवेन्यू सोर्स जहां से सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है वो है जीएसटी। और साल 2017 में जब पूरे देश में हर एक कमोडिटी पर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, उस वक्त पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। पेट्रोल डीजल पर आज भी वैट, जो पुराने टाइम का टैक्स सिस्टम है, वही इंप्लीमेंट होता है, और क्यों होता है वो जल्द ही बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना बहुत है कि फ्यूल और अल्कोहल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेन रिवेन्यू का सोर्स होता है, दैट्स व्हाई इन्हें आज भी जीएसटी के अंडर नहीं लिया गया है। अल्कोहल उस पर आज के टाइम में एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों चीजें इंप्लीमेंट होती है, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, और जब अल्कोहल की सप्लाई होती है उस पर इंप्लीमेंट होता है वैट। अब इसके अलावा अदर लोकल टैक्स फीस भी इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि परमिट फीस, लाइसेंस फीस, ऑक्ट्राई, एंट्री फीस, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। हाउ बिग इज द अल्कोहल सेक्टर? इंडिया में अल्कोहल लीकर सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और अल्कोहल पर शुरुआत से ही बहुत ही हाई टैक्स लगाया जाता रहा है, और ये टैक्स इतना होता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू में 20-25% का कॉन्ट्रीब्यूशन अल्कोहल सेक्टर से ही आता है। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर अल्कोहल 50% से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि मिजोरम, पांडिचेरी, मेघालय। और भारत में किसी भी स्टेट को पूरा कंट्रोल है अल्कोहल बिजनेस को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग एक्साइज पॉलिसीज बना सकती है। अल्कोहल का मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो, इंडिया का अल्कोहल मार्केट पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है, और सिर्फ इंडिया में सारे स्टेट को मिला दिया जाए तो लास्ट ईयर 1,75,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ अल्कोहल से जनरेट किया गया था। और रिवेन्यू सोर्स में किसी भी स्टेट में दारू 3rd नंबर पर है, पहले पर जीएसटी, दूसरे पर वैट, तीसरे पर अल्कोहल इंडस्ट्री है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, 50 लाख से ज्यादा फार्मर इस पर डिपेंड है, और सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही काफी सारे बिजनेसेस भी चल रहे हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फूड आइटम, इसके अलावा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, मतलब कि काफी सारी इंडस्ट्री इनडायरेक्टली इससे कनेक्ट भी है। लीगल डेटा, और ये तो कुछ नहीं, MOFPI के अनुसार अल्कोहल का प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में 25% तक बढ़ा है। 2005 में अराउंड 21 करोड़ लोग शराब पीते थे, पर 2019 के डेटा की माने तो लगभग 29 करोड़ लोग अब शराब पीते हैं, और एक सर्वे की माने तो 33% मेल और 25% फीमेल ने कभी ना कभी अल्कोहल कंजम्पशन जरूर किया है। स्टेट वाइज डेटा, अब हर साल किस स्टेट ने में सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट किया अल्कोहल से, उसमें सबसे पहले नंबर पर है योगी स्टेट यूपी, 31,517 करोड़ रुपए। देखा जाए तो ये शराबी डेली 100 करोड़ का बिजनेस यूपी सरकार को दे रही है, एज पर 2019-20 का रिकॉर्ड है। इसके बाद कर्नाटक
20,950, महाराष्ट्र 17,477, एमपी 13,000, वेस्ट बंगाल तेलंगाना, आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से। और पॉइंट की बात तो ये है, ये तो एक लीगल डेटा है, इसके बाद बहुत से बिना लाइसेंस के भी बिकती है, कुछ कंट्री मेड लीकर भी बिकती है, जैसे कि हम उसे अपनी भाषा में कच्ची दारू, ताड़ी या फिर कुछ अलग अलग बोल भी देते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। बिहार और गुजरात, अब देखिए बिहार और गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो जाहिर सी बात है कि यहां सरकार को कोई भी इनकम नहीं होती अल्कोहल से, और जिसकी वजह से बिहार सरकार को हर साल 3500 करोड़ का घाटा भी हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीने के लिए दारू नहीं मिलेगी, दारू मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बिहार में दारू बैन हुई, बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी की 3000 करोड़ इनकम बढ़ गई। सेम ऐसे ही वेस्ट बंगाल, जहां पर 4000 करोड़ की इंक्रीमेंट देखने को मिली, और बाकी कच्ची पक्की दो नंबर सब मिलता है यहां पर, बस आप ऑर्डर कीजिए सब मिल जाएगा आपको। अब गुजरात को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुजरात सरकार ने बैन करने से पहले जो डिपेंडेंसी है दारू पर वो अपने आप में बहुत कम कर ली थी, तो दैट्स वाई यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, दारू मिल जाएगी, वाई नॉट इन GST। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर अल्कोहल को GST के अंडर क्यों नहीं लिया जाता। देखिए, जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंडियन लीकर इंडस्ट्री को पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी सप्लाई तक, और कितना टैक्स वसूलना है, कब कितना टैक्स बढ़ाना है, एक्सेट्रा। अब दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेन रिवेन्यू का सोर्स तीसरे नंबर पर अल्कोहल ही होता है, और अगर इसे GST के अंडर ले लिया जाए तो आपको पता है कि GST में टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करना पड़ता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा, जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को फंड की कमी होती है तो वो दारू पर टैक्स बढ़ा देती है, जैसे कि लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश सरकार ने दारू की बिक्री पर 10 रुपये बढ़ा दिए, जिससे हर साल सरकार को 100 करोड़ की इनकम एक्स्ट्रा जनरेट हुई। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में हर एक स्टेट की अल्कोहल कंजप्शन अलग अलग है, दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये अधिकार शुरुआत से ही स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं, क्योंकि सेंटर से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में ज़्यादा जानती है। अल्कोहल बैन, अब बहुत बार आपने सुना होगा खास करके इंडियन वुमेन से कि दारू बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों के घर उजाड़ने लग रही है। देखिए, सरकार ये काम नहीं कर सकती, अगर सरकार रातों रात पूरे इंडिया में अल्कोहल को बैन कर दे तो काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट को रातों रात कैश क्रंच जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनके 50% ज़्यादा का रिवेन्यू सिर्फ अल्कोहल से ही जनरेट होता है। इसके साथ ही अल्कोहल इंडस्ट्री करीब 30 लाख लोगों को रोजगार देती है, फार्मर को रोजगार देती है, तो ये सारे के सारे भी बेरोजगार हो जाएंगे, इंक्लूडिंग अस जो इसके अकाउंटिंग काम करते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि गुजरात और बिहार में दारू बैन है, तो क्या वहाँ के लोगों को दारू पीने को नहीं मिलती? आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए, आपके लिए दारू का बंदोबस्त हो जाएगा। बिहार में साल 2016 से दारू बैन है, तो क्या इसके बाद भी हमें न्यूज़ में देखने को नहीं मिलता कि जहरीली शराब पीने से 110 की मौत, कभी कुछ कभी कुछ? बिहार में दारू अगर बैन हुई तो क्यों ठीक उसी साल उसके पड़ोसी राज्य के रिवेन्यू सोर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिली? नॉर्वे, आइसलैंड, रसिया, यहाँ तक कि अमेरिका, इन सब कंट्री ने अल्कोहल को बैन करके देख लिया है, तो फायदा कुछ नहीं है, सरकार को हर साल बिलियंस में नुकसान हुआ है। दूसरा, अल्कोहल इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके साथ ही स्मगलिंग जैसे इलीगल चीजें को भी बढ़ावा मिला है। सेम थिंग्स, अगर आज इंडिया में दारू बैन हो जाए तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से इन देशों से लीकर इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, तो दैट्स वाई सरकार सिर्फ टैक्स को ही मॉडिफाइड कर सकती है, उसके पास एक यही सोर्स बचता है। देखिए, कोई भी चीज जब वो शौक से लत में बदल जाती है ना, खराब ही करती है। आप दिन भर फोन चलाइए, धीरे धीरे आपके आंखों में पेन होगा, हेडेक जैसी समस्या होगी, और मे भी आपको चश्मा लग जाए। आप चॉकलेट खाइए डेली, आपके दांत खराब होने लग जाएंगे। तो सेम थिंग्स अल्कोहल पर भी अप्लाई होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो एक टाइम के बाद आपका घर तो खत्म होगा ही, साथ ही किसी दिन आप भी खत्म हो जाओगे। और कई बार आपने शराब पीने से मौत की खबरें भी सुनी होंगी, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ कंट्री मेड लीकर की वजह से। जब कोई कच्ची दारू बनाता है तो कई बार वो जहरीली बन जाती है, जिस वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो देखिए, गवर्नमेंट तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो कदम है हमें ही लेना होगा, अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। पहली बात तो इसका कंजम्पशन ना करें तो भी बेटर है, क्योंकि हेल्थ इशू के साथ काफ़ी सारे और भी इश्यूज होते हैं इसको पीने से। अगर पीते भी हैं तो सिर्फ एक कभी कभार शौक के लिए ही पिए, शादी ब्याह पार्टी, बस वो बेटर रहेगा आपके लिए।